जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूँ किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजक पूजन के दौरान इन पांच बातों का रखें खास ध्यान, नहीं तो माँ दुर्गा की उपासना रह जाएगी अधूरी, और कन्या पूजन किस दिन करें। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर नवरात्रि पर सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। इस दौरान नौ कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोज कराया जाता है, साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। कंजक पूजन के दौरान ध्यान रखें ये बातें। कन्याओं का पूजन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। ये बातें कौन सी हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नंबर एक, कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर देना चाहिए। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता। नंबर दो, कन्याओं की आयु 2 साल से 10 साल तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक भी भोजन कराना काफ़ी जरूरी होता है। अगर भोज पर 9 से ज़्यादा कन्या आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नंबर तीन, गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। नंबर चार, अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वस्थ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। नंबर पाँच, इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा या उपहार दें और उनके फिर से पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस दिन करें कन्या पूजन। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कन्या पूजन किस दिन करना ज़्यादा सही माना जाता है। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें तिथि के अनुसार नवी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन करने से परिवार के दुखों का निवारण होता है और घर पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है कन्या पूजन करते समय इन पाँच बातों का रखें ध्यान ताकि माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।